Good morning students we are providing you online classes from our home on the behalf of Saint Angel's Public School bhagpat. students today we will discuss chapter 8 in science of standard 8 Days of adolescence Kisora avastha ayu in this chapter we will discuss about endocrine system adolescence and puberty nutritional requirement and personal hygiene drug abuse and aids सो लेट्स डिस्कस इन आर डे टू डे लाइफ वी एक्सपीरियंस वेरियस इमोशन हम अपनी डेली लाइफ में काफ़ी इमोशंस को काफ़ी भावनाओं को का एक्सपीरियंस करते हैं सम टाइम्स वी फील वेरी हैप्पी कभी कभी हम बहुत ही ज़्यादा खुश महसूस करते हैं एंड सम टाइम वी फील सैड और कभी कभी हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सैड उदास महसूस करते हैं सिमिलरली इसी प्रकार वी एक्सपीरियंस वेरियस इमोशंस हम बहुत सारे इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं सच एज फीयर जैसे कि डर एक्साइटमेंट उत्तेजना एंगर क्रोध वरी चिंतित एम्बेरसमेंट एम्बेरसमेंट मीन्स शर्मिंदगी एंड इरीटेशन मीन्स जलन स्टूडेंट्स हम अपने डेली लाइफ में काफ़ी इमोशंस का एक्सपीरियंस करते हैं जैसे कि कभी कभी हम बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कभी कभी बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं इसी प्रकार हम और भी एक्सपीरियंस करते हैं इमोशंस का जैसे कि डरना उत्तेजना करना क्रोधित हो जाना चिंतित होना शर्मिंदगी फील करना और जलन फील करना सो स्टूडेंट्स राइट वन इमोशन टू एक्सप्रेस हाउ यू वुड फील इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस स्टूडेंट्स यू आर गिवन समिगर्स एंड यू आर टू टेल हियर इन दिस सिचुएसन हाउ यू फील मीन्स इफ़ यू सी आर टाइगर अप्रोचिंग यू अगर कोई टाइगर आपके पास आ रहा है तो आप कैसा फील करेंगे फियर डर फील करेंगे नेक्स्ट इफ़ यू सी योर यंगर ब्रदर प्लेंग विद योर स्कूल प्रोजेक्ट अगर आपका भाई बड़ा भाई स्कूल प्रोजेक्ट को प्ले कर रहा है तो आप क्या फील करते हो एंगर इफ योर मदर गेट एंग्री एट यू अगर आपकी मदर आप पर गुस्सा हो जाती है तो आप अपसेट हो जाते हैं इफ़ यू फाइंड योर होमवर्क इज लॉस्ट अगर आपको मिलता है कि आपका होमवर्क लॉस्ट हो जाता है तो आप एनिक्सियस हो जाते हैं इफ़ यू फोगट योर नोटबुक एट होम और अगर आप अपनी नोटबुक को टेक्स्ट नोटबुक को घर भूल जाते हो तो आप चिंतित हो जाते हो सो स्टूडेंट दीज वर सम एक्सपीरियंस नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम अंत सरावी तंत्र द एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन एंडोक्राइन सिस्टम कुछ स्पेशल ऑर्गन्स का कलेक्शन होता है दैट सीक्रेट पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस जो कोई विशेष केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है सीक्रेट करता है कोल्ड ग्लैंड उन्हें ग्रंथी कहा जाता है मींस एंडोक्राइन सिस्टम कुछ स्पेशल ऑर्गन्स का कलेक्शन होता है जो स्पेशल केमिकल सब्सटेंस को सीक्रेट करता है और उन्हें ग्लैंडस मीन्स ग्रंथी कहा जाता है दीज ग्लैंड्स आर लोकेटेड एट स्पेसिफिक प्लेस इन साइड आर बॉडी ये ग्रंथियाँ हमारी बॉडी में एक विशिष्ट स्थान पर लोकेट होती हैं स्थित होती हैं द केमिकल सब्स्टांस रिलीज बाय दीज ग्लान्स कोल्ड हॉर्मोन्स और इन ग्लैंड से जो केमिकल सब्स्टांस रिलीज होता है उन्हें उसे हॉर्मोन्स कहा जाता है आर रिलीज डायरेक्टली इन टू द ब्लड स्ट्रीम एंड एक्ट एज अ केमिकल मैसेंजर और ये डायरेक्ट हमारी रक्त प्रवाह में रिलीज़ होता है और केमिकल मैसेंजर की तरह वर्क करता है द मेजर ग्लैंडस दैट अप ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम वो मेजर ग्लैंड जो कि एक ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम बनाती है वो पिट्यूटी ग्लैंड थायरॉयड, एडरनल्स पैनक्रियास ओवरीज एंड टेस्टीज। मीन्स कुछ एंडोक्राइन कुछ मेजर ग्लैंड्स जो एक ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम बनाती है वो पिट्यूट्री मीन्स प्यूस ग्रंथि, थायरॉयड, एडनल अधिवृक्क ग्रंथि, पेनक्रैस अग्नाशय, ओवेरीज एंड टेस्टीज है ओवेरीज आर फाउंड इन फीमेल टेस्टीज आर फाउंड इन मेल द पिट्रूट्री ग्लैंड लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन पिट्रूट्री ग्लैंड प्यूस ग्रंथि ब्रेन के बेस पर लोकेटेड होती है इसीलिए इस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है इसीलिए इस ग्लैंड को एंडोक्राइन सिस्टम की मास्टर ग्लैंड कहा जाता है बिकॉज इट रिलीज हार्मोन्स क्योंकि ये हार्मोन्स रिलीज करती है एंड दैट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्रैंड्स जो कि अदर एंडोक्राइन ग्लैंड की ग्लैंड्स की अदर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है वो पिट्यूटी ग्लैंड है और ये हमारे ब्रेन के बेस में लोकेटेड होती है इसीलिए इस ग्लैंड को हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है द एडन ग्लैंड इज ऑल्सो कोल्ड द ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी एडरनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है बिकॉज इट रिलीज द हार्मोन ये हार्मोन रिलीज करती है एपिन एपिनफेरिन और एडलनाइन मीन्स ये एक हार्मोन एडर्नलाइन या इसका अदर नेम है एपिनफेरिन रिलीज़ करती है विच प्रिपेयर द बॉडी टू एक्ट वेन वी आर इन स्ट्रेस और पोटेंशली डेंजरस सिचुएसन मीन्स एडरनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि ये एक एडरनलाइन लाइन रिलीज़ करती है जो कि हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए एक्टिव बनाता है जब हम स्ट्रेस में होते हैं या किसी डेंजरस सिचुएशन में होते हैं हैंस इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फाइट और फाइट हार्मोन। इसीलिए इसे एक फ़ाइट और फाइट हॉर्मोन्स भी कहा जाता है क्योंकि ये जब हम स्ट्रेस में होते हैं तब हमें किसी एक्ट को करने के लिए प्रिपेयर करती है इट इज़ बिकॉज ऐसा इसलिए होता है ऑफ दिस हारमोन्स इस हारमोन्स की वजह से ऐसा इसलिए होता है दैट द बॉडी एक्सपीरियंस इमोशनल स्टेट्स क्योंकि हमारी बॉडी कुछ इमोशनल स्टेट्स एक्सपीरियंस करती है सच एज एंगर जैसे कि क्रोध और एक्साइटमेंट उत्तेजना द चेंजेस प्रॉट अबाउट द एडर्न लाइन आर वाइड स्पीड और एडर्न लाइन से ये चेंजेस फैल जाते हैं वेरी रेपिडली बहुत तेजी से एंड लास्ट ऑफ वेरी शोट टाइम और बहुत ही कम समय में ख़त्म भी हो जाते हैं सम ऑफ द चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय एडर्नलाइन आर लिस्टेड हीयर कुछ चेंजेस एडर्नलाइन हॉर्मोन्स की वजह से होते हैं वो यहाँ आपको दिए गए हैं इट इंक्रीज द हार्ट रेट ये हमारे हार्ट रेट को भी बढ़ाती है इट इंक्रीज द ओवरऑल ब्लड शुगर लेवल ये हमारे बॉडी के ओवरऑल ब्लड शुगर लेवल को भी बढ़ाती है इट रिली इज इट रिजल्ट इन ओवरऑल इंक्रीज़ द बॉडीज एनर्जी लेवल मीन्स ओवरऑल ये हमारे बॉडी के एनर्जी लेवल को भी बढ़ाने का काम करती है स्टूडेंट्स लेट्स रिमाइंड एंडोक्राइन सिस्टम कुछ स्पेशल ऑर्गन्स का कलेक्शन होता है जो पर्टिकुलर केमिकल सबस्टांस सीक्रेट करते हैं उन्हें ग्लैंड्स कहा जाता है ये ग्लैंड्स हमारी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक प्लेस पर सिचुएट होती हैं ये ग्लैंड्स कुछ जो सब्सटेंस रिलीज करती है उन्हें हार्मोन्स कहा जाता है और ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होते हैं और एक केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं कुछ मेजर ग्लैंड्स जो पूरी ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को बनाती है वो पिट्रुटिक ग्लैंड है थायरॉयड ग्लैंड है एडर्नल ग्लैंड है पैनक्रियास पैनक्रियाज और टेस्टीज़ है पिट्रुटिक ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे ब्रेन के बेस में लोकेटेड होती है और ये इससे जो हॉर्मोन्स रिलीज होता है वो हमारी ओवरऑल एंडोक्राइन ग्लैंड की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है एडर्नल ग्लैंड को ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहा जाता है क्योंकि ये एक हॉर्मोन्स रिलीज़ करती है एडर्नल जो कि हमारी बॉडी को प्रिपेयर करती है जब हम स्ट्रेस में होते हैं और डेंजरस सिचुएसन में होते हैं मिस हम जब वर्क करने की हालत में नहीं होते तो एडर्नल ग्लैंड हमारी बॉडी को एक हॉर्मोन्स रिलीज करती है एडर्नल आइन और प्रिपेयर करती है वर्क करने के लिए उस सिचुएशन में इसलिए इस ग्लैंड को फाइट और फाइट हॉर्मोन्स भी कहा जाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये हमारी बॉडी में कुछ इमोशंस एक्सपीरियंस होते हैं जैसे कि क्रोध या एक्साइटमेंट ये चेंजेस हमारी बॉडी में एडनलाइन के थ्रू फैल जाते हैं बहुत ही तेजी से और बहुत ही कम समय में ख़त्म भी हो जाते हैं कुछ चेंजेस जो एडनलाइन के थ्रू होते हैं वो हैं ये हमारी हार्ट रेट को बढ़ा देती है ओवरऑल ब्लड के शुगर लेवल को बढ़ा देती है और ये ओवरऑल बॉडी एनर्जी लेवल को भी बढ़ा देती है स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम स्टूडेंट्स यू कैन सी इन द फिगर थाइरॉइड ग्लैंड इट इज़ द बेस ऑफ द थ्रोट मीन्स ये लोकेट होती है हमारे गले के बेस पर और ये एक हॉर्मोन सीक्रेट करते जिसे थायरोक्सिन कहा जाता है नेक्स्ट आप देख सकते हो एडर्नल ग्लैंड एडनल ग्लैंड ये हमारी किडनीज के पास होती हैं और ये एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसे एडनालाइन कहा जाता है नेक्स्ट आप देख सकते हो ओवेरीज ये फीमेल्स में पाई जाती है और दो होती हैं ये और ये लोकेट होती है हमारी पैल्विक रीजन में और ये ओस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करती है नेक्स्ट आप देख सकते हो पिट्रूट्री ग्लैंड ये लोकेट होती है बेस ब्रेन के बेस में और ये एक हार्मोन सीक्रेट करती है नेक्स्ट आप देख सकते हैं पेनक्रियाज ये हमारे लीवर के पास होती है और ये इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करती है नेक्स्ट आप टेस्टिस देख सकते हो ये मेल में पाया जाता है ये एक हार्मोन सीक्रेट करती है टेस्टेस्ट्रोन और ये लोकेट होती है मेल जेनिटल ऑर्गन्स में सो स्टूडेंट्स इन आर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट हॉर्मोन्स एंड देयर रोल इन आर बॉडी थैंक यू